मध में उगता है सूरज, उषा के आंचल में चंद्रमा सितारे, कहती है गुमसुम सी पागल पवन, कहती है गुमसुम सी पागल पवन, ये प्रेम में क्यों होता है, ये प्रेम में क्यों होता है। मैं प्रारब्ध हूं, देवलोक हो या पृथ्वीलोक, मैंने सर्वत्र भावनाओं का प्रवाह देखा है। सृजन होता है, सभ्यताएं अपने चरम पर पहुंचती हैं और पुनः आपसी द्वंद में उनके अस्तित्व मिटने लगते हैं। यह क्रम अनवरत चलता रहता है, कथाएं बनती रहती हैं, घटनाएं घटती रहती हैं, किंतु सब में एक भाव सामान्य रहता है। सृजन में सर्वत्र दुख है, पीड़ा है। कदाचित इसीलिए प्रजापति दक्ष के पुत्रों ने देवर्षि नारद के सुझाव पर तप का मार्ग चुन लिया होगा, क्योंकि सृजन के प्रवाह में वेदना का प्रवाह भी होता रहता है। पंच तत्व से बना यह शरीर जिस तरह आत्मा से जागृत होता है, कदाचित उसी तरह भावनाएं इसे संसार से जोड़ती हैं और वेदना इसे हर पल ईश्वर का ध्यान दिलाती हैं। आज देवयानी ने अपनी भावनाओं के प्रवाह में वेदना के कुछ अंश भी जोड़ लिया। अब तक उसे अपनी माता के विषय में अधिक ज्ञात नहीं था, इसीलिए उनके प्रति मन में अधिक वेदना भी नहीं थी, किंतु अब कथा ज्ञान के विस्तार से उसकी वेदना की परिधि भी बढ़ गई है। उसे जयंती और देवसेना की मित्रता का अपनी और शर्मिष्ठा की मित्रता में विस्तार दिखता है। शर्मिष्ठा देवयानी की प्रिय सखी। गुरुदेव, महाराज वृषपर्वा और उनके साथ राजकन्या शर्मिष्ठा भी है। क्या शर्मिष्ठा? हाँ है तो। पिताजी, हम महाराज के स्वागत में जाएं? जाओ पुत्री। अष्टक सांकृति जलपान की व्यवस्था करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मेघ जी, गुरुदेव तुम सबके लिए आसन लगाओ। शर्मिष्ठा, देव तुम्हारा स्वागत है, महाराज आपका भी स्वागत है, और आपको मेरा प्रणाम। आयुष्मती भवा ऋषि कन्या। प्रणाम गुरुदेव। सर्वशालीन भवा राजकुमारी। आइए महाराज। पिताश्री, हम शर्मिष्ठा को लेकर जाएं? हाँ पुत्री, किंतु उपहार तो ग्रहण कर लो। वो हम ग्रहण कर लेंगे, चलो। गुरुदेव, दोनों के लिए एक दूसरे का साथ हर संपदा से भरा। हाँ, जागृत अवस्था अथवा स्वप्न, दोनों ही अवस्थाओं में दोनों एक दूसरे को याद करती होंगी। आइए महाराज, आइए। विराजिए। पहले आप गुरुदेव। आज प्रातः मेरे आश्रम की यात्रा। दैत्यों की सफलता के आधार केंद्र आप हैं गुरुदेव। हमारे लिए स्वर्ग को जीतने की बात उतनी आकर्षक और पवित्र नहीं होती जितना आपके आश्रम में पधारने का सौभाग्य। हाँ, किंतु कोई विशेष कार्य? हाँ गुरुदेव, अति विशेष। शीघ्र कहिए महाराज, क्या किसी दैवीय शक्ति ने आपका अहित करने की योजना बनाई है? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, कल रात्रि से हमारी पुत्री शर्मिष्ठा बहुत उद्विग्न थी। उन्हें उद्विग्न देखकर हमने सोचा कि आपकी कुटिया के दर्शन करें, कदाचित देव दर्शन से हमारी पुत्री का मन प्रसन्न हो जाए। ओह, मैंने तो कुछ और ही समझ लिया था। शिष्यों, जलपान परोसो। जी गुरुदेव। लीजिए महाराज, जलपान ग्रहण कीजिए।
और अपनी राजकुमारी की चिंता छोड़ दीजिए। अब वो शीघ्र ही अपनी उद्विग्नता से विश्राम पा जाएंगे। धन्यवाद गुरुदेव। सुंदर वस्त्र है, एक से सुंदर एक। ये लो, ये तुम्हारे लिए। नानीश्री ने कहा था कि आपकी सखी पे खूब जचेगा। उन्होंने तो मुझे देखा ही नहीं है। अरे सखी, देखा नहीं तो क्या, जब वो देव से मिली तो समझ लो उन्होंने तुम्हें भी देख लिया। तुम पर ये रंग खूब अच्छा लगेगा, किंतु तुम्हारे लिए कौन सा है? मेरे लिए ये है। अच्छा है ना? अच्छा है, बहुत अच्छा। सारे वस्त्र बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी नानीश्री कितनी अच्छी है। मैं एक बार उनसे अवश्य मिलूंगी। और पता है, उनके साथ मेरी माताश्री की सखी देवसेना भी आई थी। तुम्हारी माताश्री की सखी कैसी है वो? बहुत अच्छी। उन्होंने मुझे वो सारे प्रसंग सुनाए जो मेरे पिताश्री को भी नहीं पता। जैसे? मेरी माताश्री की बातें, उनका व्यवहार। पता है शर्मिष्ठा, मेरी माताश्री मेरे पिताश्री से मिलने के पूर्व ही उनसे प्रेम करने लगी थी। और उन्होंने एक बार तो अपनी सखी को मेरे पिताश्री का रूप देकर नृत्य किया। अच्छा? हाँ, है ना विचित्र बात। अर्थात तुम्हारी माताश्री को गुरुदेव से बहुत प्रेम रहा होगा। हाँ शर्मिष्ठा, उस दिन मैंने अपनी माताश्री के चित्र को लेकर पिताश्री को बहुत कुछ कह डाला। तुम्हारा क्रोध बहुत बुरा है देव, उसका त्याग करो। बेचारे गुरुदेव तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं। वही तो, और मैं होके उन्हें सदैव ही डांटती रहती हूँ। और बातें बताओ ना अपने माताश्री के बारे में। ये चित्र देखा उन्होंने? किसने? वही तुम्हारी माताश्री की सहेली ने। देखा उन्होंने भी और सबने। मेरी नानी को ये चित्र हूबहू मेरी माताश्री जैसा लगा। वो तो मुझे ही देख के अश्रू बहाई जा रही थी। और पता है शर्मिष्ठा, क्या मेरी माताश्री कविताएं भी बनाती थी। अच्छा, तब तो मैं उनकी जैसी हूँ। मैं भी कविताएं लिखती हूँ और नृत्य भी करती हूँ। तू तो पूरा का पूरा सामवेद है। मैं बड़ी होकर नाट्यवेद लिखूंगी। नाट्यवेद? उसमें क्या होगा? उसमें सब कुछ होगा, नाट्य, नृत्य, कविताएं। उसमें चित्रकारी भी डाल देना और अन्य सारी कलाएं भी। किंतु देव, तुम्हारी नानीश्री अच्छी है, नानाश्री अच्छे हैं, और जो कोई भी स्वर्ग से आता है वो अच्छा होता है। तुम्हारी माताश्री को तुम्हारे पिताश्री से मिलने में इतना विरोध क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि मेरे नानाश्री को मेरे पिताश्री अच्छे नहीं लगते थे। किंतु तुम्हारे पिताश्री तो बहुत अच्छे हैं। मेरे पिताश्री आठों प्रहर उनका ही नाम जपते हैं। तभी तो तुम्हारे पिताश्री हमारे नानाश्री के शत्रु हैं और मेरे पिताश्री तुम्हारे पिताश्री के मित्र। ये शत्रु का भाव मिटाया नहीं जा सकता था। मैं मिटाऊंगी, बड़ी होकर मैं नानाश्री को समझाऊंगी। और हाँ, उन्होंने मुझे देवलोक भी आने को कहा। मैंने बोला कि मैं सोचूंगी, एक दिन मैं तुम्हारे साथ देवलोक चलूंगी। हाँ हाँ, किंतु पहले तुम उपहार तो ग्रहण कर लो। उपहार तो मैंने ग्रहण कर लिया है, किंतु तुम्हारे साथ पुनः करूंगी। ये लो तुम्हारे लिए मोहन भोग, और तुम मुझे दो अपनी कुटिया का उपहार। किंतु पहले इन वस्त्रों को समेट लो। हाँ, देखो आज गुंडिका और काया भी नहीं आए। अब उनके उपहार लेकर कुटिया में जाऊं? तुम्हारी कुटिया में आने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं तुम्हारे लिए उपहार लेकर प्रस्तुत हैं। देखा, नाम्य और देवदूत प्रकट हो गए।
अभिवादन राजकन्या। आप दोनों का भी अभिवादन। आओ हम उपहार ग्रहण कर लेते हैं। चलो। अरे घुर्णिका, पिताश्री ने उपहार ग्रहण किया क्या? कब का ग्रहण कर लिया? अब तो वे महाराज जी के साथ दूर वृक्ष की छाया में बैठे हैं। ये प्रेम में क्यों होता है? गुरुदेव, आज आपसे इतनी सारी ज्ञान की बातें सीखने को मिली, हमारा हृदय प्रफुल्लित हो गया। आज का दिवस आपके साथ शुरू हुआ, राजमहल और आश्रम का ये साथ सदैव बना रहे। अवश्य गुरुदेव। अरे गुरुदेव, ये क्या? आपके आश्रम में कहीं देवलोक तो नहीं उतर आया? अरे हाँ, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। कौन है ये सब? मेरे आश्रम की कन्याएं तो ये है नहीं। अवश्य महाराज, ये कन्याएं आपके महल से आई होंगी। अरे नहीं नहीं गुरुदेव, ये कन्याएं हमारे महल से नहीं आई। सत्य कहूं तो इतनी सुंदर कन्याएं मैंने आज तक देखी ही नहीं। ये है कौन? किसी अन्य लोक से आई हैं क्या? गुरुदेव, हमें तो लगता है ये देव कन्याएं और सीधे देव लोक से आई। देव कन्या का रूप तो मेरी देव से मिलता है। और ये देव कन्या तो कुछ कुछ मेरी शर्मिष्ठा जैसी है। ये दो अन्य कन्याएं हैं, इसी से तो मिलती हैं। पिताजी! हमारी नानीशी लाई थी ये वस्त्र। अच्छा, उन्होंने सबके लिए ये वस्त्र उपहार में दिए हैं। काया के लिए, गुर्णिका के लिए और मेरे लिए भी। तब तो मैं कामना करता हूँ कि इंद्राणी शची हर पक्ष यहाँ पधारा करें। महाराज, राजपूत होते हुए भी दान की इच्छा रखते हैं। सास ससुर से मिलने वाला उपहार दान नहीं, आशीर्वाद होता है गुरुदेव। प्रेम पूर्वक अपने शिशुओं को दिए जाने वाले उपहार जैसे। आपका कथन सत्य है राजन, किंतु हमें अप्सराओं जैसी इन कन्याओं को प्रणाम करना चाहिए। हमने बिना प्रणाम किए ही आशीर्वाद दे दिया। देव, हमें आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, तू शांत रह सकती। और हाँ, नानीश्री आपके लिए भी वस्त्र लाई हैं। ये तो अच्छी बात है, अब हमारे गुरुदेव भी देव पुरुष जैसे हो जाएंगे। पिताश्री देव पुरुष नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके जटाजूट उन्हें ऋषि के आवरण से बाहर ही नहीं आने देंगे। ओ, ये तो बड़े दुख की बात है, तब तो आप देव कन्या नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि देव कन्या के पिता ऋषि नहीं होते। जब ऋषि पत्नी देव कन्या हो सकती है, तब कोई भी कुछ हो सकता है। ऋषि पत्नी देव कन्या? हमारी माता श्री देव कन्या ही तो थी ना, और महर्षि कश्यप तो सबके जनक है। गुरुदेव, इस देव कन्या के प्रश्नों का उत्तर दे पाना हमारे वश की बात नहीं। भाई, हम तो इससे पहले ही क्षमा मांगते हैं। क्षमा मिल गई आपको। गुरुदेव, अब हम यहाँ से चलने की आज्ञा चाहते हैं, परंतु मेरे साथ अन्याय हो गया है। अन्याय? कैसे महाराज? परम पूज्य गुरुदेव जी, मैं यहाँ इस आश्रम में अपनी पुत्री के साथ आया, परंतु वो यहाँ कहीं विलुप्त हो गई है। अब हमें अकेले ही महल लौटना होगा। अपनी महारानी को क्या जवाब देंगे? पिताश्री, मैं तो यहाँ हूँ। पर आप तो देव कन्या हैं। शर्मिष्ठा, इन दोनों श्रेष्ठ पुरुष को सब कुछ पता है, ये दोनों हमें चिढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं पुत्रियों, हम आपको चिढ़ा नहीं रहे, बल्कि हम तो आपकी इस अवस्था का आनंद ले रहे हैं। धन्य हैं आप दोनों, जिन्होंने हम दोनों को पिता बनने का सौभाग्य प्रदान किया। महाराज, आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मेरे पिताश्री जैसे। तो
तुम्हारे पिताश्री पूरी दैत्य प्रजाति के संरक्षक हैं पुत्री। हम इनके सदैव ऋणी रहेंगे। न जाने कैसे और कब हम गुरुदेव के उपकारों का धन्यवाद देने योग्य भी हो पाएंगे। ये प्रेम में क्यों होता है? न जाने कैसे और कब हम गुरुदेव के उपकारों का धन्यवाद देने योग्य भी हो पाएंगे। नहीं महाराज, ऐसा ना कहिए। कोई किसी पर उपकार नहीं करता महाराज, ये सब ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। हम तो मात्र निमित्त माध्यम हैं। और ईश्वर उपकार करने का अवसर कभी ना कभी सबको देता है। गुरुदेव, हम उस अवसर की प्रतीक्षा करेंगे, परंतु आज हम आपसे विदा चाहते हैं। प्रणाम गुरुदेव। सर्वजय भवा। अब कब आओगी शर्मिष्ठा? तुम भी मेरे यहाँ आ जाया करो। मैं पिताश्री को बोल दूंगी तुम्हारे लिए रथ भेज दिया करे। अवश्य पुत्री, हम परम पूज्य गुरुदेव जी के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रथ की व्यवस्था करते। अरे नहीं महाराज, मेरे आश्रम से आपकी राजधानी है कितनी दूर? मात्र एक घड़ी का पथ है। राजमहल आते समय हमारी देव को आप साथ लाइएगा गुरुदेव। अवश्य पुत्री। देव, मैं चलती हूँ। देव, अब तो इतिहास बेहतर। क्या दो सखियों का ऐसा उदाहरण है कोई संसार? प्रजापति दक्ष की पुत्रियों में मित्रता थी, किंतु दो भिन्न माता पिता की संतानों में मुझे मात्र संज्ञा और छाया ही दिखती है। तो एक दूसरे की ऐसी ही सखी थी। संज्ञा और छाया? गुरुदेव, नाम तो कुछ सुना सुना लगता है। देव आदित्य की दो पत्नियां। गुरुदेव, तब तो हमें इनके विवाह की व्यवस्था के लिए कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अभी इनके विवाह की चिंता ना करें महाराज, आप अपनी पुत्री को संभालिए और मैं अपनी। देखिए ना, दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं होना चाहती। महारानी जी, कहाँ खोई हुई हैं आप? इतनी देर से आपको कुछ सुध ही नहीं है? आ जाएंगे महाराज। अरे मृदुला, हमें महाराज की चिंता नहीं है। उनका क्या है, वो तो गुरुदेव के साथ लगे होंगे इतिहास पुराण की बातों में। ये तो चिंता अपनी पुत्री शर्मिष्ठा की है। राजकुमारी की भी चिंता मत करिए आप, वो तो अपनी सखी ऋषि कन्या के साथ ढेर सारी बातों में आनंदित हो रही होंगी। बातों से पेट भरता है क्या माया? पता है ना, दोनों सखियां निश्चिंता में रहने वाली हैं। उन दोनों के मिल जाने पर तो वैराग्य भी लज्जित होने लगता है। ना कुछ खाया होगा ना कुछ पिया होगा। नहीं महारानी जी, ऐसा नहीं होगा। गुरुदेव बहुत ध्यान रखते हैं सबका। उन्हें ध्यान रखने के लिए समय भी तो चाहिए, और उनका सारा समय तो हमारे महाराज ने ही ले लिया होगा। और बेचारे गुरुदेव हैं तो पुरुष ही ना, ऐसे में भूल गए होंगे। और वैसे उनसे मिलने तो कितने लोग आते होंगे, ऐसे में व्यंजन इत्यादि की उन्हें सुध ही कहाँ होगी। नहीं नहीं महारानी जी, यह आरोप निराधार है। गुरुदेव अपनी पुत्री का एक अच्छी माँ की तरह ध्यान रखते हैं। ऐसे में वे अवश्य ही हमारी राजकुमारी और हमारे महाराज का पूरा ध्यान रखेंगे। एक तो दो मित्र ही पर्याप्त थे समय का उल्लंघन करने के लिए। अब दोनों सखियां भी सम्मिलित होगी उनके साथ। हमें तो लगता है गुरुदेव के आश्रम के साथ ही हमें अपना आश्रम बनाकर रहना चाहिए। माताश्री, हमारी पुत्री शर्मिष्ठा आ गई। हाँ महारानी जी, राजकुमारी आ गई। पुत्री, कुछ खाया था?
क्या वार्तालाप में ही समय व्यतीत कर दिया पिता पुत्री ने? माताश्री, आप तो भोजन के पीछे पड़ गए। वहाँ जाकर मेरा पेट प्रसन्नता से भर जाता है। देखो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ कुछ ही घड़ी में। हाँ वो तो दिख रहा है कितनी मोटी हो गई हूँ। पर ये नए वस्त्र, आप गुरुदेव के आश्रम गई थी वस्त्र आभूषण लेने? माताश्री, ये वस्त्र हमारे राज्य के वेशभूषा नियंत्रक नहीं बना सकते। ये हमारी सखी देवयानी ने दिया है हमें।